राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को पूरी तरह से छोड़ दिया है। फिलहाल ना वो अध्यक्ष बनेंगे और ना ही गांधी परिवार का कोई सदस्य। अब गांधी परिवार से अलग हटकर कोई दूसरा अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन एक बड़ा डर यह है कि अगर अध्यक्ष बनने वाले नेता ने अपने मन की चलाई तो देश की सबसे पुरानी पार्टी के अस्तित्व पर संकट गहरा सकता है। वैसे भी कई राज्यों में कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह है। हरियाणा में अशोक तंवर और हुड्डा का गुट एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करता है। मुंबई में मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम के बीच की गुटबाजी सब जानते हैं और दिल्ली में भी कला की ये कहानी रफ्तार पकड़ रही है। प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित और प्रदेश प्रभारी पीसी चाको के बीच का झगड़ा अब दिल्ली में आम हो गया है। कई बार तो ये झगड़ा सामने भी आया और अब शीला दीक्षित के इस्तीफे की मांग होने लगी है। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने ही नेताओं से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक नसीब सिंह ने मांग की है कि शीला दीक्षित दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें। दिल्ली में अगले साल चुनाव होने हैं और हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए तो राहुल गांधी ने शीला दीक्षित को दिल्ली का अध्यक्ष बनाया था। ऐसे में शीला दीक्षित को खुद ही हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दिल्ली की सातों सीट हारने के बाद शीला दीक्षित पर दबाव बनाना तेज कर दिया गया है, लेकिन शीला दीक्षित क्या फैसला लेती हैं ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।